वाराणसी पुलिस ने दो ऐसे शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है जो एमसीए की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरा करने के लिए बाइक चोरी किया करते थे। बताया जा रहा है कि देर रात दोनों चोर बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि चोर प्रेस की फर्जी आईडी लेकर चला करते थे ताकि उन पर किसी को शक ना हो। पुलिस ने हमारे बहुत ही सराहनीय कार्रवाई की, वाहन चोरों को ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जो अभी तक लाइट में नहीं थे, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने की वजह से पहले से जानकारी में भी नहीं थे। ये मौके पर रंगे हाथ पकड़े गए, ये गाड़ी को खोल रहे थे चाबी से, मास्टर की से। इनसे जब पूछताछ की गई तो उसके आधार पर कुछ 6 गाड़ियाँ इनसे बरामद हुई और जिनकी जानकारी करें मालूम चला कि ये एक लड़का तो उसमें एमसीए लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट भी है, बट वो स्कूल कम ही जाता है। घर परिवार उससे दुखी होकर के उसको भेज दिया था झांसी में कुछ काम वाम करने के लिए, यहाँ से हटा दिया था। और दूसरा लड़का जो यहीं पे है उसके पास से एक अखबार की फर्जी आईडी भी मिली है। वो जब कभी गाड़ी उड़ी उठाते समय उसको बता रहा कि एक बार थोड़ा सा डाउट हुआ था, वहाँ लोग पूछने लगे थे तो उसको दिखा दिया था, तब से उसको आइडिया थे कि इसको बराबर साथ रखना है, वो फर्जी आईडी है। उस आधार पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनसे पूछताछ पे कुछ और भी गाड़ियों के बारे में जानकारी मिली है जिस पे हमारी टीमें लगातार लगी हुई है, हमें उम्मीद है कुछ और भी गाड़ियाँ बरामद होगी। ये गिरोह था या फिर यही दो लोग ही थे? नहीं, ये दो ही लड़के थे, दो लड़के थे और घर के आसपास ही कहीं खड़ा कर देते हैं और उसके बाद जब कोई ग्राहक मिलता है बहुत सस्ते दामों पर 10,000-5,000 रुपये में ये बता के ही बेच देते हैं जिसको कि ये चोरी की है, और जो उससे खर्च मिलता था मोस्टली इनका खर्च अपने दोस्त मित्र गर्लफ्रेंड या तात्कालिक खर्चों के लिहाज से ये चोरियां करते हैं। आजकल के युवा भौतिक सुख लेने के लिए गलत राह पर भी जाने से नहीं कतराते हैं और अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल लेते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।